नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से। तो आज हम लेकर आए हैं यूरिका फोर्ब्स का एक नया मॉडल जो वैक्यूम है, कॉर्डलेस के अंदर आता है। नया मॉडल लॉन्च हुआ है जीरो बैंड। यूरिका फोर्ब्स के चार मॉडल जो हैं कॉर्डलेस के अंदर न्यूली लॉन्च हुए हैं, इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। ये मॉडल है जीरो बैंड। अभी जो हम डेमो देंगे आपको वो Z10 का है। बाकी इसमें जो भी मॉडल आते हैं Zen 15, Z20, Z21, उनके सबके भी आपको बताएंगे इसके बारे में। और जो इसका डेमो देंगे वो देंगे आशीष जी। आशीष जी, करिए इसकी अनबॉक्सिंग, बताइए कुछ इसके बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके अंदर क्या है देखिए। पहले से पहले कॉर्डलेस मॉडल है ये, ऑटो है, डिटेक्ट कलर है एंड पावरफुल सक्शन पावर है, 14 मिनट आपका रनिंग टाइम है और 5 एसेसरीज के साथ में आता है ये मॉडल। हम आपको दिखाएंगे इसके अंदर एसेसरीज क्या क्या आती है, अनबॉक्सिंग करते हैं। बिल्कुल, तो ये बॉक्स को जैसे ही आप ओपन करते हैं सबसे पहले आपका एक मैनुअल आ जाएगा। ये आपका मैनुअल है, जो भी जैसे वर्क कराना है उसका पूरा मैनुअल आ जाएगा सबसे पहले। उसके बाद अगर ओपन करते हैं फाइव एसरीज के साथ में आता है ये आपका टोटल। ये तो बैटरी का ऑप्शन होगा मेरे ख्याल से। ये अडेप्टर जो चार्जर रहता है ये वो आ गया आपका। इसमें दो ऑप्शन रहते हैं, एक तो आप वैसे चार्ज कर सकते हैं और सेकंड आप ऐसे डॉक चार्जर रहता है, डॉक से चार्जिंग करके और फिक्स करा के फिर चार्ज करा सकते हैं। ये कुछ स्टूल्स आएंगे इसके, जो एसरीज हैं वो आएंगी। ठीक है, ये सारे ब्रश जो सारी एसरीज हम पहले उसको निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे किस किस वर्क के लिए कौन सी एसरीज है, कहाँ कौन सी वर्क करेगी। सॉलिड है ना, काफी हैवी में है ये। ये आपका यूनिट आ गया है, ये यूनिट है देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से। तो ये यूनिट है एंड इसके बाद इसका जो है ये निकालो ना, ये 60। ये क्या है, एक्सटेंशन पाइप, ठीक है। ये देख सकते हैं इसके ऊपर कॉर्डलेस जीरो बैंड Z10। ये जो मेन यूनिट है जीरो बैंड का, तो ये मेनली क्या है जीरो बैंड से, इसकी एक एसरीज है जो कि बिल्कुल उसको लगाने के बाद ये बैंड बिल्कुल हो जाती है। ये आप देख सकते हैं ये कॉर्नर्स वगैरह के लिए जो भी है आपका उस पार्ट के लिए वर्क करेगी ये। एंड जो मैं जीरो बैंड के लिए बता रहा था आपको, ये वाली एसरीज आपकी लग जाएगी एंड उसके बाद आपको बैंड नहीं होना पड़ेगा। ये एसरीज आपकी यहाँ लगती है इस पार्ट पे और फिर आप इसको बिना बैंड हुए ही वर्क करा सकते हैं, आपको झुकना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो इसको एक बार साइड कर देंगे, फिर हम इसको कुछ अटैचमेंट लगा के फिर दिखाते हैं आपको। ये वर्क स्टार्ट हो गया, यहाँ से आप पुश करेंगे गन की तरह, कैसे ये बटन दबाते ही आपका डस्ट पूरा बाहर आ जाएगा। इसको लॉक करना एक बार, ठीक है, वर्क क्यों नहीं कर रहा ये देखिए। इसको आपको पुश करके रखना पड़ता है और एक और ऑप्शन है जिसको क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा ये देखिए स्टार्ट हो गया। इसको छोड़ भी देंगे तब भी ये चलता रहेगा। यहाँ से पावर को आप जिस मोड पे चलाना है उस पर कर सकते हैं और यहाँ पे डिस्प्ले पैनल है, ये डिस्प्ले पैनल को हटेगी, इसको हटा, ये मोड है अलग अलग जिसमें आपको आपकी बैटरी लाइफ और मोड फंक्शन वाला बताएगा। ये पावर मोड है, ये इको मोड है, तीन मोड है इसके, ठीक है। इसको अभी हम लगा देते हैं, सारी एसरीज आप सेट करते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं। थ्री इन वन फ्लोर ब्रश कौन सा है, ये वाला रहेगा थ्री इन वन फ्लोर ब्रश।
मल्टीपर्पज क्लीनिंग ब्रश हो गया ये आपका। कॉम्बिनेशन टूल्स हो गया ये रहा कॉम्बिनेशन टूल्स, जो आपका सोफे वगैरह पे कर्टन्स वगैरह पे, सोफे वगैरह कर्टन्स वगैरह पे उन सब पे, और जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उन सब पे अगर वर्क कराना है तो ये वाला वर्क करेगा आपका। फ्लोर प्लस कारपेट जो भी टाइल्स वगैरह हैं उनको क्लीनिंग करने के लिए आपको ये वाला मॉडल मिलता है, ये ऑप्शन मिलता है। एंड साथ में जैसे आपके कॉर्नर्स वगैरह हो गए वहाँ पर यूज़ करने के लिए आपको ये मिलता है। एंड उसके बाद जो आपका ज़ीरो बैंड का ऑप्शन है वो ये है ज़ीरो बैंड। अगर इसको आप इसके अंदर अटैच करते हैं लाइक कुछ इस तरह से, ये देखिए ये फिक्स हो गया। अब यहाँ पे आप इसको हटा लीजिए पहले, हाँ हाँ फिक्स करिए, ये देखिए आप इसको वो लगा लीजिए इसके नीचे ये वाला पार्ट, इसको लॉक बटन दबा के लॉक खोलना, हाँ ये देखिए पकड़ो इसको चालू। आपको जैसे मुझे नीचे सफाई करनी है तो उसके लिए मैं बताऊं उसके लिए की रिक्वायरमेंट नहीं है कि पहले मुझे ऐसे करना पड़ता था, ऐसे करके आपको पूरा अंदर तक यूज करना पड़ता था। अभी आप इसे प्रेस करें, बस प्रेस करें पूरा नीचे का चला जाता है। अच्छा अगेन आपको इस तरीके से बात करना, तो अगेन आपको इस तरीके से कितना टिक लॉग होता है। इसी को जीरो बैंड कहते हैं, ठीक है। इसके बाद कौन सी एक्सरसाइज आएगी? ये आपका जो आ गया मल्टीपर्पस एक्सरसाइज इसके अंदर लगी हुई, ये कहाँ कहाँ वर्क कर सकते हैं अगर हम इसको चलाएं तो? अभी जो लगी हुई एक्सरसाइज आपकी आपका फ्लोर पे करना है, टाइल्स पे करना है, वुडन फ्लोर से आपको उस पर कर सकते हो, एंड यहाँ पर कारपेट वगैरह तो उसके लिए भी कर सकते हो, ये मल्टीपर्पज बनाई गई है अभी। अच्छा इसके अंदर आपका पेट एयर हो गया, डस्ट बाइक्स हो गया आपकी, उन सभी को कैप्चर कर लिया। और एक चीज़ और भी है इसके अंदर एक चीज़ और है, जैसे हमने काफ़ी में देखा है कि जब इसमें बाल आते हैं तो बाल इसमें फंस जाते हैं, लेकिन इसके अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है जिससे आपके जो हेयर वगैरह हैं वो इसी के अंदर कट हो जाते हैं। लाइक जिस एग्जांपल के तौर पर मैं दिखाऊँ आपको तो कुछ इसका जो बैक साइड आपको दिख रहा होगा, हाँ, ये चीज़ है जिससे क्या होता है हेयर को डिटेंगल हो जाते हैं, वो कट करके आपका इसी में सेक्शन लगा के आपका इस डस्ट बैग के अंदर कैप्चर हो जाता है। अच्छा बालों को जो है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है, ये देखिए ये कुछ इस तरह से बालों को जो है आपके उसको छोटे छोटे पीस में कट कर देगा और फिर उसको सेक्शन कर लेगा। ज़ीरो बैंड का ऑप्शन ये था कि ज़ीरो बैंड में आपको झुकना नहीं पड़ता, वो सारा ही ये जो है ये चीज़ जो आपकी हेयर को डिटेंगल कर देती है, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट था आपका ज़ीरो बैंड का, इसमें आपको बैंड नहीं होना पड़ेगा, ये आप बैंड हुए ही मतलब बिना मुड़े ही सारा आप सेक्शन करवा सकते हैं, इसको क्लीनिंग कर सकते हैं। और अगर ये वर्किंग देखेंगे 3-in-1 होता है फ्लोर ब्रश में, क्या रहेगा ये आपका वुड पे वर्क करेगा, फ्लोर के जो टाइल वगैरह हैं उन पे सब पे, कारपेट पे वर्क करेगा और जो टाइल्स वगैरह हैं टाइल्स वगैरह पे भी वर्क कर जाता है। कॉम्बिनेशन टूल जो मैंने बताया था आपको वो कुछ इस तरह से आप वर्क कर सकते हैं, लैपटॉप वगैरह हो गए, टीवी हो गई, आपका माइक्रोवेव वगैरह हो गए, उनके ऊपर डस्ट वगैरह है उनको यूज़ करके। और जो है मल्टीपर्पज़ क्लीनिंग ब्रश ये आपका देख ही सकते हैं, पिलो हो गए आपकी, जैसे कर्टन्स हो गई, इन सब पे आपका आराम से वर्क करेगा। कर्व नोजल जो है ये आपका जैसे कि कॉर्नर्स वगैरह पार्ट वाले रहते हैं वहाँ से ये सेक्शन कर लेगा सारा का सारा। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये Z10 का मॉडल है एंड ये देख सकते हैं अभी कुछ इस तरह से वर्क करेगा। और जो ये जो है आपका मल्टीपर्पज़ क्लीनिंग ब्रश हो गया, इसके बाद ये जो तो आप देख रहे थे सर्विस नोजल ये वाला, तो ये पार्ट हो गया। एंड ये जो आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन टूल्स, तो ये कॉम्बिनेशन टूल हो गई, ये आपका इसी पार्ट में लग जाएगा आराम से। अगर ऐसे नहीं कराना तो आप इस तरह से भी इसको डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, इसको लगाना एक बार, ये देखिए अब इसको हमने निकाल लिया, अब अगर इसको वर्क कराना हो तो ये देखिए तो ये कुछ इस तरह से ये वर्क करेगा। एंड वापस इस तरह से आप इसको लगा के चार्जिंग वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मॉडल है आपका Z10, इसी के अंदर और भी मॉडल देखेंगे।
तो आपको और भी मॉडल मिल जाएंगे, जैसे कि Z21 वेट एंड मॉप, जो आपको वेट और मॉप का दोनों का ऑप्शन देगा, Z21, Z15 एंड Z10। ये चार मॉडल हैं। जो Z15 है, Z15 आपको जो है कलर में मिलता है, ये आपकी देख सकते हैं इसमें कलर में है ये आपका, बाकी सारे मॉडल सेम में आएंगे और बाकी सारे फीचर वगैरह ये रहेंगे आपके। रनिंग टाइम 40 मिनट था इसका Z10 का, और ये हमारी खाली अनबॉक्सिंग थी, इसका प्रॉपर डेमो हम लेकर आएंगे जल्दी ही। और होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।